जब भैया आपने फाइल देखी थी मेरी, ये किसी ने फाइल ली है क्या उसे? एक काम करना, मेरे को ये जो सीसीटीवी लगा हुआ है ना, इसकी एक बार फुटेज भेजना। हेलो पुलिस सर, मेरे ऑफिस में किसी ने मेरे इंटरनल ऑडिट की फाइल चोरी करी है। आपको कैसे पता? सर मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा था एंड मैं जानता हूँ कि ये कौन है। कौन है ये? सर ये मेरे क्लाइंट का एक्सटर्नल ऑडिटर है और मैं उसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हूँ और इसने मेरी इंटरनल ऑडिट की फाइल चुराई है। इसका नाम एड्रेस कुछ पता है? हाँ हाँ सर, सब पता है, सब पता है मुझे। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ गई ये सब करने की? वो सर एक्चुअली मुझे लॉ की कंप्लाइंस चेक करनी थी एंड कंपनी के इंटरनल ऑडिटर ने बहुत अच्छे से उस पर काम किया हुआ था, सो आई थॉट आई विल जस्ट टेक द फाइल। ठीक है यार, ये सब समझ आता है, बट ये कोई तरीका थोड़ी है काम करने का। आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 610, जो आपको बताता है कि आपको अगर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करना है तो आपको क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, तो आप उस तरीके से काम करिए ना, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ नहीं सर, अब अगले से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी सर। ये सॉरी आप मुझे मत बोलिए, जाके इंटरनल ऑडिटर को बोलिए एंड अपना डिस्कशन कंटिन्यू करिए। तो ये सारी गड़बड़ होने के बाद मैंने सबसे पहले घर जाके इंटरनल ऑडिटर को कॉल किया एंड उसे अपोलोजाइज करा। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि उसका कौन सा काम है जो मैं यूज करना चाहता हूँ। सीन ये था कि मुझे कंपनी की लॉ की कंप्लायंस चेक करनी थी और इंटरनल ऑडिटर ने वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर रखा था। एंड ये डिस्कशन करने के बाद मैंने इंटरनल ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या तुम अपनी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट मुझे मेल कर सकते हो सो दैट मैं उसे अच्छे से देख सकूं। अब एक सीधी सी बात ये होती है कि भाई आप उसका काम यूज करने वाले हो, उससे पहले आप एक अंडरस्टैंड तो ऑब्टेन करो कि भाई उसने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं। जब तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि उसने क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं तो फिर उसका काम आप यूज कैसे कर पाओगे। एंड एक चीज हमेशा ये याद रखना कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती कि अगर वो इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर रहा है। तो ये स्कूल वाला होमवर्क नहीं है कि किसी का भी होमवर्क उठाया और उठा के चेप दिया। इसीलिए ये चेक करना जरूरी होता है कि इंटरनल ऑडिटर ने जो भी काम करा है वो प्रॉपर्ली प्लान था कि नहीं, क्या उसने सारे एविडेंसेस को ऑब्टेन किया है एंड जो कंक्लूजन पे वो पहुंचा है वो सही है कि नहीं है उस एविडेंस के हिसाब से, ये सब चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे मन में एक सवाल ये आता है कि यार ऐसा क्यों ना करें कि सारा काम इंटरनल ऑडिटर का ही उठा लेते हैं और खुद कुछ काम ही ना करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो मेरे प्रोसीजर्स हैं एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मुझे क्या क्या परफॉर्म करने हैं वो डिपेंड करता है कि इंटरनल ऑडिटर का जो काम किया है उसने उसमें कितना जजमेंट इन्वॉल्व था उसका एंड उस काम में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, इंटरनल ऑडिटर की इंटेग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी भी चेक करनी होती है एंड लास्टली क्या वो इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंट है भी उस काम के लिए, तभी कॉम्पिटेंस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिफोर यू डिसाइड टू यूज हिज वर्क। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो के थ्रू ये समझ आया हो कि जब एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करना चाहता है तो उससे पहले उसे क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली तुम्हें ये समझ आया हो कि किस तरीके से काम नहीं करना है। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।